Keen. In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Assalamu alaikum to all the aspirants. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोटरवे पुलिस की. आपको पता है कि जॉब्स आई हुई है, तो आज हम उसी जॉब्स के हवाले से टेस्ट गाइड में आप लोगों के सामने लेके हैं. 100 MCQs हैं. ये टेस्ट जो है जूनियर पेट्रोल ऑफिस असिस्टेंट और फोटोग्राफर अपर UDC LDC इन मतलब सारी सीट्स के लिए हैं, ठीक है. और अब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे पेपर आएगा नेशनल हाईवे मोटरवे का, और इसमें मतलब कैसे MCQs किस के होते हैं. तो मतलब एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है आप लोगों का. पास पेपर से सवाल इसको उठाए गए हैं, मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ मॉडल पेपर. 100 MCQs हैं. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, इंग्लिश के MCQs है 10 miles डैश अलॉन्ग वे टू वॉक. 10 mile इज होता है, ठीक है. माइल्स देखने में प्लूरल लग रहा है, बट इट्स नॉट अ प्लूरल, इट्स सिंगुलर, ठीक है. सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैव बीन टाइटन्ड अप इन ऑल द डैश एरिया, सेंसिटिव एरिया. ऑब्वियसली सेंसिटिव एरिया में ही सिक्योरिटी टाइट होती है. जॉन डैश फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट नाइट. जॉन वुड, ठीक है, करेगा. इंसेक्ट्स आर अ ग्रेट न्यूसेंस डैशेस. हमेशा याद रखिएगा न्यूसेंस के साथ फोर लगेगा आपका हमेशा. ऑन द थ्री ब्रदर्स सैम इज द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा है. टॉलेस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव के साथ दी लगता है, EST लगता है और दी लगता है, ठीक है. ये आपने याद रखना, सुपरलेटिव डिग्री है. द कैशियर डैश द मनी एंड साइंड अ रिसिप्ट फॉर इट. अब क्या आएगा जी, कैशियर ने मनी ली और साइंड. अब देखिए ED है तो मतलब पास्ट में है, तो कैशियर कलेक्ट काउंटेड द मनी, ठीक है. अच्छा, आई वॉन्ट अ प्लेस वेयर आई कैन वर्क विदाउट कॉमन सेंस इंटरप्शन, ठीक है. माई फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कॉट इट इन द डोर यस्टरडे इज स्टिल सोर, ठीक है. इट इज अ मार्बल वॉल डैश नो बिल्स. हाँ जी, इट इज अ मार्बल वॉल डैश नो बिल्स. द करेक्ट आंसर इज FX, ठीक है. द न्यू ओनर ऑफ द पेपर चेंज द डैश कम्प्लीटली द ले आउट. पेपर का ले आउट होता है, ठीक है. पेपर की आउटलुक नहीं होती, पेपर की आउटलाइन नहीं होती. वर्ड पे आप जब पेपर लिख रहे होते हैं उसकी ले आउट होती है, ऑर्गेनाइजेशन. द कैंडिडेट इनएक्सपीरियंस्ड एंड नर्वस वॉज हैकल्ड. इनएक्सपीरियंस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है. ये आपने चीज़ें देखनी है कि आपने अब एडजेक्टिव या जो मतलब है पूछ रहा होता है कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, ये भी आप लोगों ने देखना है. टूरिस्ट आस्क द गाइड द वे. अब दी गाइड कौन सा ऑब्जेक्ट है जी, इट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. मतलब उसने एक थर्ड पर्सन से पूछा, तो थर्ड पर्सन इज इनडायरेक्ट. दिस वीक वी आर एक्सपेक्टिंग विजिटर, दिस इज अ नाउन फ्रेज, क्योंकि नाउन से स्टार्ट हो रहा है. सीइंग इज बिलीविंग, बिलीविंग ING फॉर्म हमेशा जेरेंड होती है, ठीक है. ING हमेशा, जब भी आप ING फॉर्म देखे जेरेंड चुप करके लगा दे, जेरेंड होता है. द वर्कमैन सीम्स वेरी कैपेबल, तो आंसर इज कम्प्लीमेंट, ठीक है. एंड 16th MCQ इज़ हेलो. नाउ हेलो इज इंटरजेक्शन. जब भी आगे ये इंटरजेक्शन का साइन आए तो इंटरजेक्शन ही होता है, बी रिमेंबर ऑलवेज. मेक हे वाइल द डैश द सनशाइन. वाइल इज व्हाट, कंजक्शन. दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, जो जोड़ता है उसको कंजक्शन कहते हैं. दिस इज गुड इनफ. नाउ व्हाट इज इनफ, इनफ इज एन एडजेक्टिव, ठीक है. शी लव्ड हियरली इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है. तो लव, हंसना, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है. आई लाइक द बुक, द न्यू बुक, द न्यू इज एन एडजेक्टिव. ये आपके 20 आते हैं हमेशा हर साल इंग्लिश के. इसके बाद आपका पार्ट टू स्टार्ट हो जाता है. पार्ट टू में आपकी जनरल इंटेलिजेंस होती है. इंटेलिजेंस में आप लोगों के जो सवाल होते हैं वो मतलब है कि नॉर्मली जो जनरल नॉलेज होता है वैसे ही होता है. फॉर एग्जांपल ये थोड़ा ओल्ड पेपर से मैंने उठाए हैं सवाल, तो इसमें देखें लिखा हुआ है कि 23 मार्च 2019 को गेस्ट कौन था जी हमारा, तो वो गेस्ट था हमारा मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. जब ये 23 मार्च को परेड हुई थी. अब वो कह रहा है कि जी विच कंट्री सेंड इट्स आर्मी बैंड, किस कंट्री ने भेजा. जॉर्डन का बैंड आया था हमारे पास 23 मार्च. चेयरमैन सेनेट उस टाइम सादिक सिंजरानी साहब थे. कमांडर ऑफ मिलिट्री अलायंस उस टाइम जनरल रहील शरीफ साहब थे. अब आसिम मुनीर साहब हैं. US के प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर, कितने साल के लिए इलेक्ट होता है, तो ये आपने याद रखना 4 साल के लिए. और अभी ये भी आप लोगों ने याद रखना कि इस साल दिसंबर 2024 में इनका इलेक्शन भी है. द
क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदीया कौन है? अभी भी यही है करंटली। हु इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इन यूएनओ? मलिहा लोधी। आई थिंक इट्स चेंज नाउ, प्लीज चेक। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम डॉक्टर हमीदुल्ला की बुक है, आप लाजमी पढ़िएगा, इस्लामियात के बच्चे। थर्ड लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी जी कौन सी है जी? लिबरल डेमोक्रेट। वन बेल्ट सी पैक के अंदर आता है, ठीक है, सॉरी सी पैक ओबीआर के अंदर आता है। ओबोर का नाम अब चेंज हो चुका है, इसका नाम अब बीआरआई होता है, ठीक है। पाकिस्तान डब्ल्यूटीओ का मेंबर कब बना जी? 1995 में, बी रिमेंबर। मिस्टर तकी मीर कौन था? उर्दू पोइट था। नॉर्मली बच्चे इसको रिलीजियस लीडर लिखाते हैं क्योंकि एक रिलीजियस लीडर भी थे, बट नहीं जी। फाइनल मैच ऑफ पीएसएल कहाँ पे हुआ? कराची में, कल रात को भी हुआ, जीत गई इस्लामाबाद। कंग्रेचुलेशन टू ऑल द इस्लामाबादियन फैंस। और ये भी मैच 2022-24 24 का भी जी कराची में हुआ, बड़ी बात है। पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड किसने लिखी है जी? क्रिस्टोफर जेफर लॉट ने। बहुत ही खूबसूरत किताब है, आप लाजमी पढ़िएगा, पाकिस्तान अफेयर के लिए रिकमेंडेड है। फीफा वर्ल्ड कप जी कहाँ पे हुआ है जी? रशिया में हुआ है। उसके बाद कहाँ पे हुआ था? उसके बाद होता है हमारे कतर में हुआ है, ये आपने याद रखना है। अभी भी मेरे ख्याल से कतर नहीं, अभी कोई और, अभी थोड़ी देर पहले आया था एमसीक्यू, कौन कर रहा है? आई थिंक कतर, कतर। ये आपने कमेंट करके बताना कि फीफा वर्ल्ड कप 2000 इट वुड हेड इन हेल्ड इन 25 कौन हेल्ड कर रहा है, आप लोगों ने कमेंट करके बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट रिपब्लिक? जॉर्डन, ठीक है, बाकी सारी रिपब्लिक रिपब्लिक है बट जॉर्डन नहीं है। हु वॉन द 2017 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी? किसने देखी? जीती थी पाकिस्तान ने, उसके बाद आज तक नहीं जीता। अच्छा, सार के टोटल मेंबर 8 है, ठीक है, आज भी 8 ही है। पाकिस्तान सेनेट का इलेक्शन कब होता है? तो कितनी सीट्स पता है? 52 सीट्स पे। और पाकिस्तान का सेनेट इलेक्शन हुआ कब था? 2 मार्च को हुआ था। टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये अभी भी 5 साल है। जो डेट्स हैं वो सारी चेंज्ड हो चुकी हैं, जाहिर है पुराना पेपर है ये, तो वो आपने अभी चेक कर। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो कि फिर से इलेक्शन हुए हैं 2024 जनरल इलेक्शन, तो उसके भी आप बहुत से सवाल सॉरी एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में लास्ट सेंसस कब हुए जी? 17 में हुए, लेकिन आप 22-24 में भी हुए, 23 में भी हुए, ये भी आपने याद रखना। सेंसस शुड बी हेल्ड आफ्टर कितने साल बाद जी? 10 साल बाद होने चाहिए हर सेंसस, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। पाकिस्तान कब मेंबर बनता है जी आसियान का? पाकिस्तान आसियान का मेंबर नहीं है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा जी, सिकंदर मिर्जा साहब है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का है फेमस मुस्लिम किंग जो है इंडिया के, कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका टोम्ब कहाँ पे? ये हमारे उसमें भी पेपर आया, पेपर में भी आया था लाहौर में, ठीक है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेपर में भी आया था सवाल। कासम ने, मोहम्मद बिन कासम ने इन्वेट कब किया जी? 712 में, ठीक है। सिंध कब हुआ सेपरेट बम्बई से? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हर साल रिपीट हो रहा है, इसको आपने याद रखना। 1936 में कुरान की कौन सी सूरत जो है बैक बाइटिंग से मना करती है? सूरह अल हजरात। होली प्रॉफिट के सन थे इब्राहिम, ये कहाँ पे वॉज बोर्न फ्रॉम? इनकी कौन सी वाइफ से, ये इनका बच्चा किस वाइफ से था? तो उनका नाम है हजूर से की हजरत मारिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। अच्छा, उसके बाद जी अब साइंस के इस तरीके से आ रहे हैं, आप देखिएगा। एस्ट्रोलॉजी किसकी स्टडी है जी? मूवमेंट ऑफ स्टार के। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एसिड कौन है जी? हाइड्रोजन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड मैक्सिमम वाटरिंग? सबसे ज्यादा राइस को पानी चाहिए होता है, ठीक है। विच गैस ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट वन? सबसे सबसे जो है हाइड्रोजन लाइथियम, और दुनिया का सबसे लाइटेस्ट सॉरी डेंस डेंसेस्ट सब्सटेंस ओसवीएम है, बी रिमेंबर। विच फिश लिवर इन एक्सट्रीम कोल्ड वाटर्स कौन सी है जी? टूना, टूना फिश की एक काइंड है। मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान वीट है। पेंसिलिन किसने डिस्कवर की थी? बी रिमेंबर, फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये बड़ा मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, ये आता है डिफरेंट टेस्ट में आता है पेंसिलिन का। द वेदर ऑन सन आर चेंज विद द रोटेशन ऑफ द सन अराउंड सन, अर्थ अराउंड सन रोटेट करता है और फिर हमारे मौसम जो है वो चेंज होते हैं। नेक्स्ट है टी जो है वो कहाँ पे कल्टीवेट की जाती है जी? रेनी एरियाज में, जहाँ पे बहुत बारिश होती है। पंजाब इज रीप्ड इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है। गंदम पंजाब में मई में ज़्यादातर होती है। इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन से? उसके बाद आपके मैथ्स के आ जाते हैं, इन सब को आपने डिवाइड करना होता है, फिर ये सारे आपके मैथ्स के। मैथ्स में आप याद रखिएगा आपके कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। डी रिमेंबर, आपका रेशियो एनालिसिस रेशियो आ रहा है, ठीक है। आपकी परसेंट एज आ रही है, आपका मीन आ रहा है, मीडियन आ रहा है, मोड आ रहा है अनग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। अनग्रुप डेटा मतलब जो सॉल्व नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है।
आप लोगों की भी रिमेम्बर, आप लोगों की वो आ रही है 2 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या होगा फिर 8 है, ठीक है, मतलब इसको नंबर सीरीज कहते हैं, वो आ रही है, आपकी रिलेशंस आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके मैथ के सारा चीज़ें हैं। इसके बाद और इस तरीके से ही देखें, ये सारे मैथमेटिक्स के आखिरी मतलब 30 एमसीक्यूज आपके मैथ्स के ही आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एमसीक्यूज। आप लोगों का मैं अगर बताऊं, तो आपको अगर बताऊं, इंग्लिश आपके 20 नंबर की आएगी, इस्लामियात इस्लामिक स्टडीज़ आपकी एटलीस्ट 10 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, जीके जिसमें आपका करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर आ रहा है, ये आपके तकरीबन 30 मार्क्स के बन रहा है, ठीक है। जीएसए जनरल साइंस एनेबिलिटी, ये आपका 20 नंबर का आ रहा है, ठीक है, और मैथ्स आपका 20 का आ रहा है। अच्छा, मैथ्स और ये जो तीन है ना, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी मैथ 30 का आ जाता है, कभी ये, तो इस तरीके से मतलब आपके नंबर ऑफ डिवीजन सारे उसके। तो आई होप सो आप लोगों को टेस्ट की समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग ये टेस्ट अच्छे से निकाल भी लेंगे। और बाकी अगर कोई भी और भी क्यूरी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। माई मोबाइल फ़ोन नंबर इज़ दिस। आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए प्लीज़ मैसेज में, आप किसी को पे मत करिएगा, प्लीज़ मैसेज में, इंशाल्लाह आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर वीडियोज़। इंशाल्लाह करंट अफेयर की डेली क्लास हुआ करेगी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत आगे फ्यूचर में मज़ा आएगा इस चैनल में। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।